मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 22 करोड़ की धनराशि के विकास कार्यों का गुरुवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने शिलान्यास और लोकार्पण के लिए लगी शिला पट्टिकाओं का अनावरण भी किया। इस मौके पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के CEO क्रांति शेखर, सचिव राजेश कुमार सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मथुरा महानगर संयोजक राजू यादव, महामंत्री प्रदीप गोस्वामी और पार्टी के मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी उपस्थित रहे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किए जाने के बाद कहा कि हमने जो कहा वो किया, जो नहीं भी कहा वो भी किया है। लंबे समय से मथुरा को विकास की जरूरत थी। अब तक तो लोगों ने अपना व अपनों का ही विकास किया था, मगर हमारी डबल इंजन की सरकार है, सबका बिना भेदभाव के विकास कर रही है। हमारे ब्रज में आने वाले समय में अधिक से अधिक तीर्थ यात्री आएं, उन्हें बेहतर व्यवस्थाएं मिले, उस दिशा में लगे हुए हैं। मुख्य विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। 2017 से लेके आज तक लगातार ब्रज का चौमुखी विकास हमारी प्रतिबद्धता रही और हमने करके दिखाया, जो कहा वो भी किया और जो नहीं कहा उससे कहीं ज्यादा किया, और अभी बहुत किया है और अभी बहुत आगे करना भी है। तो 11 करोड़ से अधिक के कार्य हैं जो विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो कार्य हमारे मथुरा में हो रहे हैं। ये आज लोकार्पण और शिला पूजन का कार्यक्रम था। मैं मानता हूँ कि लंबे समय से मथुरा को विकास की आवश्यकता थी, विकास की जरूरत थी, और जो लोग यहाँ सरकारों में रहे उन्होंने केवल अपना और अपनों का विकास किया। कभी हमारे धार्मिक स्थानों को दिव्य और भव्य बनाने का कभी कोई प्रयास नहीं हुआ। ये हमारी ऐसी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनको दिव्यता और भव्यता देने का प्रयास किया, और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास भगवान कृष्ण भी हैं, हमारे पास मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं, हमारे पास बाबा विश्वनाथ भी हैं, और हमारे पास तीर्थों के राजा प्रयागराज भी हैं। तो हमने सभी स्थानों का तेज गति से विकास किया है और दिव्यता और भव्यता दी है। आने वाले समय में हमारे मथुरा वृंदावन में अधिक से अधिक तीर्थयात्री आए, उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। मथुरा में आने वाले जो मोक्ष मार्ग हैं उनका सौंदर्यीकरण, हमारे मथुरा वासियों के लिए पार्कों की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, हमारे जो ननिहाल हैं, आने वाली जो हमारी पौधे हैं उनको बेहतर पर्यावरण दें, बेहतर व्यवस्था हम दें, बेहतर वातावरण हम यहाँ दें, उसके लिए भी लगातार हम लोग प्रयासरत हैं।